टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हैं हम मुंब्रा के खड़ी मशीन स्थित डैम पर और आपको दिखा दें कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है आज घूमने के लिए आए थे, लेकिन थोड़ी अच्छी बात ये लगी कि जो ये डैम है, इस डैम में कोई भी युवक जो है नहाते हुए आज यहाँ पर पुलिस कर्मियों को मिला नहीं। और जो ये नीचे आप झरना देख रहे हैं, इस झरने में हालाँकि कुछ महिलाएँ, बच्चे और पुरुष नहा रहे थे, लेकिन उन लोगों को पुलिस ने यहां से हटाया है। आपको बता दें कि जिस तरह से एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है और पिकनिक स्पॉट जो है वो बंद किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुंब्रा का डैम है, यहां पर लोग बड़ी तादाद में घूमने के लिए आते हैं। इसी तरह से आज रविवार का दिन है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस यहाँ पर पहुँची और जो महिलाएं, बच्चे, पुरुष यहाँ पर घूमने के लिए आए थे उन्हें यहाँ से हटाया गया है। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि पिछले दिनों जो एक युवक की इस डैम में मौत हुई थी, उसके बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने यहाँ का दौरा किया था और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी रहने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी सुरक्षाकर्मी अभी तक मौजूद नहीं किया गया है, ताकि वो यहाँ पर डैम की देख रेख कर सके कि कोई भी युवक इस डैम में नहा ना सके। लेकिन आपको कहीं बता दें कि जिस तरह से ये मुंब्रा का खड़ी मशीन स्थित डैम है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में घूमने के लिए आते हैं और नहाने के दौरान इस डैम में मौत भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है पुलिस जो है चौकन्ना है। वो पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि डैम में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, एक तो कोरोना का महामारी फैल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इसको देखते हुए पुलिस जो है यहाँ पर पहुँची और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, बच्चे और महिलाएं, पुरुष, उन लोगों को यहाँ से हटाया गया है। आप जो ये कांटे वाली जाली देख रहे हैं, इसे कुछ युवकों ने तोड़ दिया था नहाने के लिए और इसके जरिए इसमें अंदर जाकर नहाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है युवक नहाते हुए इसमें नहीं हमें मिले हैं, कोई भी युवक यहाँ पर नहाते हुए नहीं दिखाई दिया है। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।